ओम राम राम। नमस्कार साथियों, आजकल आप देख रहे हो धुएं, प्रदूषण और उल्टा खाना पीना, जैसे गर्म के ऊपर ठंडा खाया गया, ठंडे के ऊपर गर्म खाया गया, ज़्यादा चिकना खाया गया, उसमें गले की खराश, खांसी, सूखी खांसी जिसको बोलते हैं, या ठंडा ज़्यादा खाया गया तो कफ वाली खांसी जिसको बोलते हैं, उससे लोगों का गला काफ़ी ख़राब रहता है, खराश होती है बार बार। कहीं मीटिंग में बैठे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं, कहीं काफ़ी लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो उसमें खांसी नहीं रुकती है। तो उसके लिए कंठा अमृत काफ़ी अचूक, काफ़ी बढ़िया चीज़ बनाई गई है दिव्य वालों की, पतंजलि वालों की है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इसके फ़ायदे, गले में आप देखोगे कोई खराश है उसके लिए, या आपके फेफड़ों के अंदर कफ है, या खांसी सूखी है वो ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है उसके लिए। इसकी कीमत की अगर बात करें तो ये आपको 75 रुपये के आसपास अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें जो हमारी टैबलेट आती हैं, एक में 80 टैबलेट आती हैं। इसको आपको खाना नहीं है, इसको आपको च्यूइंग करना, चूसना है, जैसे आप टॉफ़ी चूसते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है उसके लिए। अब बात करें इसमें है क्या क्या। इसमें मुलाटी है, इसमें सौंठ है, इसमें बहीड़ा है, इसमें कबाब चीनी है, इसमें काली मिर्ची है, इसमें पुदीना सौंठ है, इसमें लौंग है। ये सब आपको बेनिफिट देता है, खासकर गले की खराश में और किसी भी चीज़ में आपको कफ में या उसमें फ़ायदा देता है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, इसका आज तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी मात्र 2 गोली आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, बाकी आपको डॉक्टर या वैद्य की सलाह लेके इसका सेवन करें। बच्चों को या प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिना डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए। और इसको आप अगर लोगे तो आपका माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है, मुंह से जो बदबू आती है उसको भी कंट्रोल करती है। तो इसको आप लीजिए, ये आपको बढ़िया बेनिफिट देगी खराश की दिक्कत में या खांसी की दिक्कत में, आपको अच्छा बेनिफिट देगी। अगर इसके सेवन से आपको कोई दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है, वैसे तो कोई होता नहीं इससे कोई ऐसी दिक्कत, लेकिन आपको फिर भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप इसका सेवन बंद कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, यही है आयुर्वेद, जिसको बोलते हैं एक अमृत है आयुर्वेद। अगर इसका सेवन अच्छे से किया जाए तो ये आपको फ़ायदा देता है। तो धन्यवाद साथियों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक भेजें। और हाँ, रोज़ाना जल्दी जगें, जल्दी बिस्तर को छोड़ दें, दिनचर्या में योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, एक्सरसाइज सबको शामिल करें, खान पान में सुधार करें, अच्छा खाएं, अच्छा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।